वर्ल्ड कप 2024 का आगाज हो चुका है और अब ग्रुप मैच खत्म होके सुपर एट मुकाबले शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस बार के वर्ल्ड कप में बारिश ने बहुत ज्यादा परेशान किया है। ग्रुप मैचों में भी इंग्लैंड की टीम बारिश के कारण बाहर होते होते बच गई, लेकिन अब सुपर एट के मुकाबले में 22 जून से लेकर 27 जून तक बारिश होने की बहुत ज्यादा संभावना बताई जा रही है। यहाँ तक कि 24 जून को होने वाले मुकाबले में 100% बारिश आने की संभावना है। इसके साथ ही अगर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बारिश होती है तो सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है, और सेमीफाइनल में बारिश होने के बाद में जो भी टीम टॉप पर रहेगी उसी को फाइनल में जगह मिलेगी। तो टीम इंडिया को सेमीफाइनल में जाने के साथ साथ अपने ग्रुप में टॉप पर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि 23 जून को होने वाले सेमीफाइनल में लगभग 70% बारिश आने की संभावना है। तो अगर टीम इंडिया अपने ग्रुप में टॉप पर रहती है तो बारिश होने के बाद भी टीम इंडिया फाइनल के मुकाबले में जा सकती है। पहले ग्रुप में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में जाने की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके साथ ही दूसरे ग्रुप की बात करें तो दूसरे ग्रुप में वेस्टइंडीज टीम ने अपना पहला मुकाबला हार दिया है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अपने दोनों मुकाबले जीत लिए हैं और इंग्लैंड ने भी एक मुकाबला जीता और एक हार लिया है। तो दूसरे ग्रुप से साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबलों पर बारिश का कर्व बना हुआ है। तो अगर सेमीफाइनल मुकाबले में बारिश होती है तो ग्रुप की टॉप टीमें फाइनल में जाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।